आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी रोमांचक कहानी लेकर आए हैं जो है रामायण से। जी हाँ, मारिच और सुबाहु का वध। चलिए शुरू करते हैं। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तथा नित्य कर्म और संध्या उपासना आदि निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास जाकर बोले, गुरुदेव कृपा करके हमें ये बताइए कि राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए किस समय आते हैं। यह हम इसलिए जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अनजाने में ही वे आकर उपद्रव मचाने लगे। दशरथ के वीर पुत्रों के इन उत्साह भरे इन वचनों को सुनकर वहां पर उपस्थित समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे रघुकुल भूषण राजकुमारों, यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुमको आज से 6 दिनों तक रात्रियों तक पूर्ण रूप से सावधान मुद्रा में और सजग रहना होगा। इन 6 दिनों में विश्वामित्र जी मौन होकर यज्ञ करेंगे। इस समय भी वे तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे क्योंकि यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं। सूचना पाकर राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने समस्त शस्त्र अस्त्रों के साथ सुजित होकर यज्ञ की रक्षा में तत्पर हो गए। 5 दिन और 5 रात्रि तक वे निरंतर बिना किसी विश्राम के सतर्कता के साथ यज्ञ की रक्षा करने लगे, किंतु इस अवधि में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आई। 6वें दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई सौमित्र, यज्ञ का आज अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों की आने की पूर्ण संभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि हम तनिक भी असावधानी से मुनि राज का यज्ञ और हमारे परिश्रम निष्फल और निस्वार्थ हो सके। राम ने लक्ष्मण को अभी चेष्टा किया ही था कि यज्ञ सामग्री चमस समिधा आदि अपने आप भभक उठे। आकाश से ऐसी ध्वनि आने लगी जैसे मेघ गरज रहे हों और सैकड़ों बिजलियां तड़क रही हों। इसके पश्चात मारिच और सुबाहु की राक्षसी सेना रक्त मांस मंजा अस्थियों आदि की वर्षा करने लगी। रक्त गिरते देखकर राम ने उपद्रवकारियों पर एक खोजपूर्ण दृष्टि डाली। आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम धनुष पर सर संहार करके सावधान हो जाओ। मैं मानस वास्त्र चलाकर इन महापापियों की सेना का अभी नाश किए देता हूँ। यह कहकर राम ने असाधारण पूर्ति और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन पर मानव वस्त्र छोड़ा। मानव शास्त्र आदि से वेग में से जाकर मारिच की छाती से लगा और वह उसके वेग के कारण उखड़ 100 योजन अर्थात 400 कोसों दूर समुद्र में जा गिरा। इसके पश्चात राम ने आकाश में अग्नियात्र फेंका जिसे अग्नि की एक भयंकर ज्वाला प्रस्फुटी हुई और उसने सुबाहु को चारों ओर से आवृत कर लिया। इस अग्नि की ज्वाला ने क्षण भर में उन महापापी को जलाकर भस्म कर दिया। जब उनका जला हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो एक बड़े जोर का धमाका हुआ। उनके आघात से अनेक वृक्ष टूट गए और भूमि पर वे गिर पड़े। मारिच और सुबाहु पर आक्रमण समाप्त करने के बाद राम ने बचे हुए खुचे राक्षसों का नाश करने के लिए वाव्य नामक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना के वीर मर मर कर लोगों की भांति भूमि पर गिरने लगे। इस प्रकार थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। निविघ्न
यज्ञ समाप्त करके मुनि विश्वामित्र यज्ञ वेदी से उठे और राम को हृदय से लगाकर बोले, हे रघुकुर, कमल तुम्हारे भुगजन के प्रताप और युद्ध कौशल से आज मेरे यज्ञ यहाँ पर सफल हुआ है। उपद्वी राक्षसों का विनाश करके तुमने वास्तव में आज सिद्धाश्रम को कृतार्थ कर दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा विजयी हो। दोस्तों, आज की कहानी थी मारिच और सुबाहु का वध। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानियाँ कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।